देश में हो रही लगातार महिला अपराध के विरोध में कड़ा कानून बनाने के लिए गुरुवार को छात्र संघ हाथ में तख्ती लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता अर्पित तिवारी एवं रेशमा खान के नेतृत्व में महिमा रघुवंशी, मिंटू प्रजापति, राजेश्वर विश्वकर्मा, शिव नारायण वर्मा की उपस्थिति में फवारा चौक में देश में हो रहे महिला अपराधों के विरोध में पुतला दहन किया गया। छात्र नेता द्वारा बताया गया कि आज देश में लगातार जो माहौल बन रहा है वह अत्यंत निंदनीय है। सरकार यदि राखी में बहन बेटियों को उपहार दे तो वो उपहार होगा उनकी सुरक्षा का कानून, जिससे हमारे देश की नारी सुरक्षित महसूस कर सके। इस रैली में समस्त छात्र शक्ति के साथ समस्त कोचिंग संस्थान का समर्थन प्राप्त हुआ। चाहूंगी सभी से कि ये जो अत्याचार लड़कियों पे हो रहे हैं इसको बंद करिए। मैं सरकार से मांग करूंगी कि हर कॉलेजों में, हर मतलब संस्थान जो है उनमें पुलिस तैनात की जाए, क्योंकि हर जगह लड़कियों के भाई नहीं आते, हर जगह उनके पिताजी नहीं आते हैं। लड़कियाँ कहाँ तक नहीं निकलेगी, एक केस के चलते 10 केस होते हैं। और जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा दे, और फांसी की सजा ना देते हुए अगर मेरी माँ ने अपने उससे, तो मैं ये कहना चाहूँगी उसको उतना ही तड़पाया जाए जितना उनने उस लड़की को तड़पाया है। उसका वो अंग काटा जाए जिससे वो जीते जी रोज मरे, तिल तिल मरे, ताकि एक लड़की को भी उसकी आत्मा को शांति मिले। कैसे ऐसा कर सकते हैं? क्या लड़कियों में कोई जान नहीं होती है? एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से गजानन बोरकर की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।